राम राम, सारा ने गणी गणी राम राम। आज है तारीख 30 मार्च 2024 और रात 29 मार्च की रात ने 12 बजे मरठ है आंधी तूफान बारिश हुई। ओड़ा भी हा, ओड़ा तो कम हा, लेकिन हा मोटा मोटा तो भी हूँ। आंधी ज़्यादा होने कारण कणक की फसल पर बहुत ही बुरा असर पड़ो। कणक की फसल आडी टेढ़ी हो गई, गिर गई फसल, अब पूरी पकड़ी तो ही को नहीं, पहले ही आ गिरी है, बचती रही बहुत भारी कणक ही। और कणक भारी होने कारण बारिश की, हल्की बारिश ही और ओला भी आ सके और आंधी के कारण फसल आडी टेढ़ी हो गई। आ देखो थे फसल गिर गई, उत्पादन तो कम हो गई क्यों, दानों थोड़ो कमजोर रह जाएगो। आज तक फसल कच्ची ही, कच्ची फसल गिरने कारण देखो थे नुकसान काफी हुआ है। कणक की फसल गिर गई, तेज आंधी और ओला आ सके और बारिश भी। 29 मार्च की रात ने 12 बजे आयो आंधी तूफान भी हुआ, फसल गिरी है। और अभी अभी खेत आया, बाद में थाने वीडियो दिखावा। और उसके कितनी दूर में अब पता को नहीं, आंधी तूफान कण की फसल है। अब की बार भारी लागो हो भाई ना गिरेगी तो बढ़िया उत्पादन देगी, उत्पादन तो अभी देगी पर काफी नुकसान हो जो ही है। अब देखो थे यहाँ बिछ गई जमीन के ऊपर, काफी हद तक नुकसान है। तुरंत पानी लगेड़ो बहुत ज्यादा पड़ी है, जबकि मैं पानी कई दिन पहले को लगेड़ो हो बहुत कम पड़ी है। फसल तो आ भी गिरी है लेकिन आ कम गिरी है और कई कई जगह ज्यादा गिरी है। और जब तक मैं देख तो आया हूँ तो सारे ही खेतों में नुकसान है, कटी कम और कटी ज्यादा बिछी है, जमीन के ऊपर बिछ गई। यूं के वो है कि कच्ची फसल है, दानों फिर कमजोर रह जाए, जड़ा हाल गई और नीचे दब जाए, जबकि फसल खराब हो जाए, क्वालिटी भी खराब हो जाए। आ देखो आ गिरेड़िया बहुत ही बडवार लेड़ी, बहुत ही इनको वीडियो दिखाई दे रहा था ने, जबरदस्त कणक ही। देखो जगह बूटा खड़े है, मैं देखो बलियां भी तो वजन हो, बलियां हो बहुत भारी अच्छी कणक है। हाँ पड़ी है यूं कुछ नुकसान है क्यों, आ कणक वैसे दानों तो बना गई लेकिन अभी तक दानों कच्चो हो तो आडी गिरने कारण नुकसान तो है ही। चलो अभी और ना आवे तो भी बचत है, अब की बार बस मौसम की आई बात ही डर लगो। हवा तो अभी तेज चलने लगी है, चलो यहाँ तो हवा चले के रही है, चैत को महीनों है हवा चलती रहे, चैत में हवा चले के रहे, आंधी बारिश भी आ जाए। आ देखो कणक ही कणक की खेती है, ज्यादातर कणक है थे, देखो रोज वीडियो, अच्छी पूरी तकड़ी फसल हुआ है। हाँ एक बात और बतावा, मेरे कमेंट पर दो वीडियो पर कमेंट आया कणक के बारे में ही पूछो, तो कणी देखने वाले पूछो कि भाई कणक की खेती अच्छी है थारे, और इतने बताओ कि
खाने के खतरे कण के किसी वैरायटी बढ़िया हुए तो मैं बता दूं, और बीती ज़्यादा तो मैंने जानकारी को नहीं, लेकिन मारो जो को वैरियो है गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में अठे बढ़िया पैदावार देने वाली और अच्छी किस्म है दो राज 1482, राज 1482 और राज 3077 फार्मी किस्म है दोनों ही, और अंगवाटो बहुत बढ़िया बने, बढ़िया रोटी बने, खान खतर बढ़िया और पौष्टिक कणक है और बढ़िया सुनहरी दाना हुआ इनको। तो जका मैंने पूछो वह मेरा वीडियो देखेगा तो बने पता लग जी ए जकी वैरायटियां हैं अंग मांग कोनी बा वैरायटी फार्मी वैरायटी बा मेरे दूसरे खेत में बिजेड़ी है तो बात थाने मैं जरूर दिखाऊंगा। जकी है 1482 बिंगी बलियां और रंग भी लाल वो है सुनहरी और बिंगो दानों है जो चमकदार और बढ़िया भारी और मोटो वो है, और जकी है 3077 है बा अगेती और पछेती दोनों ही तरह की बिजाई बिंगी हो जाए बा थोड़ी बढ़वार ज्यादा ले इन खतर बिंग कम भी दे, लेकिन खान खतर बा भी बहुत बढ़िया है बिंगो भी दानों सुंदर हुआ है और बिंगो आटो बहुत ही बढ़िया बना है अच्छी क्वालिटी है दोनों ही, राज 1482 और राज 377 दोनों ही खान खतर बहुत ही अच्छी कणक है और बां कणक ने आजकल लोग कम भी दे है क्यों 3077 है जो कि आडी पड़ जाए और झाड़ ठीक है उत्पादन भी बिंगो अच्छा है लेकिन आडी पड़ जाए आडी पड़ने के कारण बटवार ज्यादा ले बा, और 1482 कम बीजन लग गया ओल्ड क्वालिटी होगी इन का लोग बीजे जरूर है गंगानगर के हर बार बीजे है हनुमानगढ़ जिले में कम ही बिजाई हुए बिंगी 3077 की बिजाई काफी हुआ है हनुमानगढ़ जिले में। और अब जकी तीन आ है क्वालिटी आ बिल्कुल ही बोनी किस्म है आ है 2851 जकी आ मदरी किस्म है बोनी किस्म थे समझो हो यानी आ बढ़वार कम ले आडी टेढ़ी हुए कोनी खान खतरा आ भी बढ़िया है क्वालिटी आ भी अच्छी है लेकिन इनमें फंगस को रोग आवे है इनमें 2-3 स्प्रे फंगीसाइड की करनी पड़े उत्पादन इनको भी बढ़िया हुआ है इनको बीज ज़्यादा गिरना पड़े कम कम बिगे में 40 किलो बीज 45 किलो बीज 5 कनाल के बिगे में गिरना पड़े है। और राजे 3077 है बिंगो बीज 25-30 किलो बीघे हो गए ना पड़े और वही राज 1482 को बीज है देखो 25-30 किलो बीघे हो गए ना पड़े वह दोनों क्वालिटियाँ भी अच्छी है खान खतर बताइए आ क्वालिटी भी अच्छी है आता दिखने लग रही है आ 2851 है आ 39 नंबर पर है खान खतर क्वालिटी अच्छी है बाकी कणक उत्पादन अंगुझाड़ बहुत ज़्यादा है जी हाँ ए कणक है अंगुझाड़ खूब है लेकिन अने बिया बढ़िया कौन माने बिया तो सारी बढ़िया है खान खतरा बात को नहीं कोई कोई दिक्कत हो है पर वह उच्च क्वालिटी की कणक है अच्छी है फार्मी कणक है क्यों थे पूछो हो कणी मैंने सवाल करो तो मैं वो जवाब थाने दियो है शायद जका मैंने सवाल करो हो तो बने वो उत्तर मिल गया हो सी। और मैं बता दूं ममता ऑफिशियल के नाम हूँ जो चैनल है वहाँ वो सवाल करे हो और भी सवाल को जवाब मांगो सवाल हो के माने बताओ थे कणक जकी खाने के लिए किसी अच्छी हुआ अभी कौन सी वैरायटी खाने के लिए अच्छी होती है गेहूं की तो उसका जवाब हमने दे दिया है आपको शायद आपको उत्तर अपना मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत थैंक्स आपको आप वीडियो देखते हो और आप लोगों को अच्छा लग रहा है आज का वीडियो सिर्फ आपको यही दिखा रहे थे कि भी आप देखिए कितना नुकसान हुआ है गेहूँ की फसल में अड्डी टेढ़ी हुई है वैसे ज़्यादा तो नहीं मान सकते क्योंकि अब गेहूँ ये पका पर ही है इसका रंग सुनहरी हो गया था वैसे दाना तो कच्चा है अभी ये 10-15 दिन कटाई वाली तो नहीं होने वाली थी पर फिर भी कुछ तो इसमें है नुकसान पर इतना ज़्यादा नहीं कह सकते और इन वैरायटियों में बिल्कुल नुकसान नहीं है ये बिल्कुल बोनी किस्म है आप लोग देख रहे हो और इनमें नहीं है उतना नुकसान है। हम आशा करते हैं आप लोगों के
आपके सवाल का जवाब मिल गया। और भी आप गेहूँ या सरसों या चना पे कोई भी सवाल पूछना चाहते हो, जैसा भी सवाल हो, हम जैसा भी जानते हैं तो आपको ज़रूर बताएंगे। और भी खेती बाड़ी के बारे में या फसलों के बारे में आप कुछ जानना चाहते हो तो ज़रूर आप हमें बोलना, और हम आप जो आप चाहोगे वैसा वीडियो बनाकर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दिल से आभार आपका जो आप हमारा वीडियो देखते हो, पसंद करते हो। अच्छा लगता है आप सबके कमेंट पढ़कर और आप सबकी अच्छी अच्छी बातें सुनकर। और ठीक है, सभी फ्रेंड लोगों को राम राम, नमस्कार और दिल से आशीर्वाद। हम उम्मीद करेंगे आप इसी प्रकार से हमारा सहयोग करते रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और अब हम वीडियो करते हैं और आप लोग हमारा वीडियो देखकर कमेंट करोगे, ठीक है साथियों, कमेंट करना, और हो सके तो आप वीडियो को शेयर भी करना। हमें और खुशी होगी कि आप हमारे वीडियो को शेयर कर रहे हो और दोस्तों को भी आप हमारे वीडियो दिखा रहे हो। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सभी का वीडियो पसंद करने के लिए।